सब्सक्राइब कीजिए टेलकॉम मोबाइल टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक न्यूज के एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल का टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं पहले अपडेट की। तो निकल के आता है वन प्लस की तरफ से वन प्लस जेट को लेकर बताया गया कि इसमें स्नैपड्रैगन 765 प्रोसेसर 5G कनेक्टिविटी से होगा लैस, 4000 mAh की बैटरी, 30 वाट का फास्ट चार्जर और वन प्लस ने दावा किया कि इसको जुलाई में करेगी लॉन्च। तो देखते हैं कि वन प्लस की तरफ से यह डिवाइस हमें इंडिया में कब और किस प्राइस में देखने को मिलता है। अगला अपडेट निकल के आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी X3 सुपर जूम को लेकर बताया गया कि इस डिवाइस में 4200 mAh की बैटरी, 30 वाट का फास्ट चार्जिंग, स्नैपड्रैगन का 855 प्लस प्रोसेसर और इसमें एक एमोलेड स्क्रीन हमें देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि रियलमी की तरफ से यह डिवाइस हमें इंडिया में कब और किस प्राइस में देखने को मिलता है। अपडेट निकल के आता है IQ की तरफ से, IQ 3 को लेकर बताया गया है फ्लिपकार्ट के जरिए अपना ग्रीन और ऑरेंज जोन में बिक्री कर दी है शुरू, रेड जोन में अभी भी है प्रतिबंध। अगला अपडेट निकल के आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी स्मार्टफोन और स्मार्ट बैंड की बिक्री ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में हो गई है शुरू, रेड जोन में अभी भी है प्रतिबंध। अपडेट निकल के आता है हुआवे की तरफ से, हुआवे Y9S इंडिया की साइट पे हुई है लिस्ट, बताया गया इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और ये डिवाइस ट्रिपल रियर कैमरा से होगा लेस, इसमें 4000 mAh बैटरी होने की उम्मीद। तो देखने की हुआवे की तरफ से यह डिवाइस हमें इंडिया में कब और किस प्राइस में देखने को मिलता है। अपडेट निकल के आता है सौमी की तरफ से, सौमी Mi 10 भारत में 8 मई को होगा लॉन्च और ये डिवाइस एंड्रॉइड 10 के साथ MIUI 11 पे वर्क करता है और बताया गया है इसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप से होगा ये लेस। अपडेट निकल के आता है पोको की तरफ से, पोको F2 के लॉन्च की ओर पोको का मिला इशारा, बताया गया पोको की तरफ से यह डिवाइस इंडिया में बहुत जल्द हो सकता है लॉन्च। अपडेट निकल के आता है गूगल की तरफ से, गूगल पिक्सल 4a को लेकर एक बेंचमार्क के साइट पे हुआ है लिस्ट, बताया गया इस डिवाइस में 6GB की रैम, 380 mAh की बैटरी से हो सकता है यह डिवाइस लेस। तो देखते हैं कि गूगल की तरफ से यह डिवाइस हमें इंडिया में कब और किस प्राइस में देखने को मिलता है। दोस्तों बस फिलहाल टेक न्यूज़ में इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं किया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह का वीडियो लेके आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे होम स्टे सेफ।